दमोह जिले के देहात थाना अंतर्गत शहर से लगे चंदौरा मड़िया गांव में 3 दिन तक रेस्क्यू चलाए जाने के बाद 8 फीट के मगरमच्छ को पकड़ा जा सका। दरअसल 3 दिन पूर्व चंदौरा गांव की घनी आबादी वाले क्षेत्र में एक मगरमच्छ पानी से भरे करीब 8 फीट गहरे गड्ढे में घुस गया था। मगरमच्छ कहां से आया, कैसे आया, इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं लग सकी, क्योंकि ना तो क्षेत्र में कोई नदी है और ना ही मगरमच्छ के आने का पानी वाला कोई रास्ता। फिर मगरमच्छ आखिरकार कैसे आ गया, इस बात की जानकारी हालांकि किसी को नहीं लगी। 3 दिन पूर्व ग्रामीणों ने मगरमच्छ को देखा था, इसके बाद वन विभाग की टीम को सूचना दी। वन विभाग की टीम ने लगातार 3 दिन तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाने के बाद मगरमच्छ को बड़ी कठिनाई से जाल डालकर पकड़ा। के पास एक गांव है चंदौरा गांव, वहां से लाए हैं। वहां कहां मिला सर? वहां तालाब के पास में एक छोटा सा मतलब तलैया टाइप की है, जो कि लगभग 70 फुट लंबी होगी और 40 फुट चौड़ी होगी। उसमें 5-6 फुट पानी भरा था, उसको खाली करा के लाए हैं। सर जी कहां ले जाएंगे आप उसको? ये सिंगोरगढ़ जाएगा। यहां मगरमच्छ के जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। दरअसल उन्हें पिछले 3 दिनों से दहशत के साए में जीना पड़ा, क्योंकि गांव के मवेशी उसी जगह पानी पीने आते थे जहां पर मगरमच्छ था। इसके अलावा गांव के बच्चे भी उसी जगह तालाब नुमा भरे गड्ढे में नहाया करते थे।